हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम सीटेट और यूपीटेट में आए हुए कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा। चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को दर्शाती है। मानक निर्देशांक अक्षों के सापेक्ष अंतराकाश अभिविन्यास की जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग आहार में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। साइट्रस फल विटामिन सी का एक सबसे अच्छा स्रोत है। यह एक जल में विलेय विटामिन है तथा शरीर में लंबे अंतराल तक संग्रह नहीं हो पाता है, इसलिए प्रतिदिन के आहार में इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दुर्बल अम्ल हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड खनिज अम्लों जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होते हैं क्योंकि ये अम्ल आसानी से आयन H+ मुक्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, जॉन रे ने। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, नारियल में। बीज रहित नारियल का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका बीज ही खाने योग्य भाग है। बीज रहित टमाटर, केला एवं अंगूर उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं बीज चोल से, ऑप्शन 3। कपास के बीज के चोल में बाह्य उपत्वचा की कोशिकाएं लंबी होकर रेशे का रूप धारण कर लेती हैं, इसको ही कपास का रेशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है प्यूपा अवस्था से, ऑप्शन 2। रेशम की प्यूपा अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट का लार्वा एक पदार्थ उत्पन्न करता है जो कठोर तथा जटिल हो जाता है। लार्वा एक ग्रंथि द्वारा इसे अपने चारों ओर श्रावित करके आवरण बनाता है जिसे प्यूपा या कोकून अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृस्थ अंकुरण विशेषता है। तो ये विशेषता है मैंग्रोव पौधों की, ऑप्शन 3। जो मैंग्रोव पौधे होते हैं ये दलदली मृदा में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो ये संक्रमित करता है सहायक लिम्फोसाइट्स को, ऑप्शन 2। HIV मुख्यतः सहायक लिम्फोसाइट्स को संक्रमित करके उनमें अपना विभाजन एवं वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। मानव में 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता एक अनुवांशिक बीमारी जनित करती है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, कैक्टस के। कैक्टस पौधे अपने रंध्र दिन में बंद रखते हैं, इस प्रकार ये वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल के ह्रास को रोक पाते हैं। रात में रंध्रों को खुला रखकर ये प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का स्थिरीकरण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक द्वारा ग्लूकोज शर्करा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, विश्लेषण। ब्लूम की वर्गीकरण प्रक्रिया में विश्लेषण भावात्मक स्तर का पक्ष नहीं है, इसमें ग्रहण करना, मूल्य स्थान एवं संगठन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले
उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन टू, वास्तविकता। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता वास्तविकता है क्योंकि विज्ञान वस्तुओं एवं धारणाओं की वास्तविकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक छात्रों की विशेषता है, तो ये जिज्ञासु होते हैं, ऑप्शन टू। सृजनात्मक छात्र सदैव ही जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, वे सदैव अधिक जानकारी ग्रहण करने के उत्सुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन टू, 323 केल्विन। कैसे निकालेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बराबर होता है 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है 273 केल्विन, और ताप में परिवर्तन दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन स्केल पर कैसे निकालेंगे, तो 273 में 50 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 323 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो दिए गए तीन प्रतिरोधक हैं, R1 की वैल्यू दी हुई है 1 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम और R3 की वैल्यू दी हुई है 3 ओम। ये प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जहाँ पर R1 1 ओम है, R1 2 ओम है, R2 और 3 ओम है, R3। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस 1/R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1/R3 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। इसको LCM लेके सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6/11 ओम, आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परम ताप T में संबंध है। किसी गैस में ध्वनि की चाल V उस गैस के परम ताप T के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात उसमें संबंध होगा V प्रोपोर्शनल टू √T, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कांच से जल में। जब प्रकाश सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम जल में जाता है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अतः अपवर्तन कोण आपतित कोण से अधिक होता है। एक ऐसे आपतित कोण के लिए जो कि क्रांतिक कोण से अधिक है, प्रकाश पुनः वापस सघन माध्यम मीन्स कांच में ही परावर्तित हो जाता है, इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर है इसकी गतिज ऊर्जा होगी p² / 2m, ऑप्शन 4। निकालेंगे कैसे, p = mv, ये फॉर्मूला होता है, जो m द्रव्यमान वाले कण का संवेग होता है वो होता है p = mv। इस कण की गतिज ऊर्जा होगी k ½ mv² इज इक्वल टू mv² का होल स्क्वायर हो जाएगा / 2m। अब संवेग होता है p, वो होता है mv, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है mv² तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं p² / 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होगी, तो ये अनुक्रमानुपाती होगी E² के, ऑप्शन 4। तार के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो होता है
वी बराबर ई बराबर नियत। माना कि तार का प्रतिरोध आर है, अतः समय टी में तार में उत्पन्न ऊष्मा होगी एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो यहाँ पर हो जाएगा वी इज इक्वल टू होता है ई जो कि नियत है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन आर टी। ई वन आर एवं टी नियतांक है, तो होगा एच प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये लॉजिक चिन्ह जो है ये एंड द्वारक है जिसका निर्गम है वाई बराबर ए डॉट बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन एंड द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है वह है, तो वह होता है स्नायु ऑप्शन ए। स्नायु रेशेदार ऊतक है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यह ऊतक लचीला एवं मजबूत होता है, स्नायु में बहुत कम अधात्री होता है, मीन्स इसको जो अधात्री होता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, स्नायु में बहुत कम टिश्यू फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो ये है निकिल ऑप्शन टू। तेल में असंतृप्त द्वि आबंध होते हैं, जब वनस्पति तेलों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोजन बनता है, और इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री एसिटिलीन। एसिटिलीन टॉलिन अभिकर्मक, जिसका फॉर्मूला होता है टॉलिन अभिकर्मक का AgNO3, के साथ अभिक्रिया करती है तो सिल्वर लवण का एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है उसे कहते हैं सिल्वर एसिटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन टू 2 मोल। SO2 की मात्रा 128 ग्राम दिया हुआ है, SO2 का मोलर द्रव्यमान जो होगा वो होगा 64 ग्राम। SO2 के मोलों की संख्या होगी, फॉर्मूला होगा SO2 की मात्रा ग्राम में अपॉन SO2 की मात्रा ग्राम में अपॉन SO2 की मोलर द्रव्यमान। तो SO2 की मात्रा ग्राम में 128 दी हुई है और मोलर द्रव्यमान है 64 ग्राम, तो ये आ जाएगा ऑप्शन, आंसर आएगा ये 2 मोल। FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है 0 ऑप्शन 1। यहाँ पर सपोज करेंगे Fe की ऑक्सीकरण संख्या लेंगे x, Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो लेंगे x, और CO की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 5 है, तो x हो जाएगा प्लस 5 × 0, तो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी 0, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये उदासीन लाइगेंड है जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थाई कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 MgSO4। जल की अस्थाई कठोरता उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के घुले रहने के कारण होती है, इसे उबाल कर तथा छान कर आसानी से दूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।